नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिकेट नेक्स्ट में। एक तरफ T20 वर्ल्ड कप 2024 में 18 नंबर की जर्सी वाले विराट कोहली के बल्ले से फैंस रन देखने के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ विराट के जर्सी नंबर वाली स्मृति मंधाना जो है काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है। मंधाना ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में लगातार दूसरे मैच में बेहतरीन शतक जो है वो ठोक दिया। चिन्ना स्वामी में टीम इंडिया की तरफ से डबल सेंचुरी हम सबको देखने को मिली। मंधाना के अलावा जो है हरमनप्रीत कौर ने जो है वो सेंचुरी ठोकी और साउथ अफ्रीका का जो है वो पूरी तरह से डंका बजा दिया। वहीं अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने जो है वो 2-0 से है वो बढ़त हासिल कर ली है। इन दिनों भारत की जो स्मृति मंधाना है वो काफ़ी अच्छी फॉर्म में हमको नजर आ रही हैं। मंधाना ने पहले वनडे में ताबड़तोड़ जो है वो 117 रन की पारी को अंजाम दिया था। वहीं पर अब दूसरे वनडे में एक बार फिर से उन्होंने 120 गेंदों में 136 रन की शानदार पारी खेली साउथ अफ्रीका के खिलाफ और इस पारी में जो है वो 2 छक्के और 18 चौके जो है वो इस पारी में पूरी शामिल थे। और अगर हम स्मृति मंधाना के कुछ रिकॉर्ड्स की बात करें जो उन्होंने ये 2 लगातार शतक बनाकर जो है वो तोड़े हैं। स्मृति मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में लगातार 2 मुकाबले में जो 2 शतक लगाए हैं ये 2 शतक लगाकर काफ़ी इतिहास भी बनाया मंधाना ने। मंधाना ऐसे करने वाली पहले भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई जिन्होंने किसी एक सीरीज में लगातार 2 शतक लगाए हैं। वहीं पर मंधाना वनडे में अपने 7वें शतक के साथ एक और कीर्तिमान स्थापित किया जो है वो भारतीय पहली महिला खिलाड़ी बन गई जो 7 शतक के साथ मिताली राज के वनडे शतकों की बराबरी कर ली मंधाना ने। मंधाना के भी हैं जो 7 शतक हो गए हैं और मिताली राज के भी जो हैं 7 शतक हैं। मंधाना ने 84 मैच में 7 शतक लगाए हैं जबकि मिताली के नाम 232 वनडे मैच में जो है वो 7 शतक हैं। इसके साथ ही मंधाना वनडे में सबसे ज़्यादा बल्लेबाजों की सूची में 10वें स्थान पर आ गई है। वहीं पर सबसे ज़्यादा शतक लगाने के मामले में है वो 10वें स्थान पर स्मृति मंधाना आ गई है। स्मृति मंधाना ने इससे पहले सीरीज के जो है वनडे में भी 117 रन की पहली पारी में जो पहला मैच हुआ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ वहाँ भी 117 रन की पारी खेली थी और मंधाना इसके साथ ही पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने वनडे में इस सीरीज में लगातार 2 शतक लगाए और किसी के साथ मंधाना वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाली सलामी बल्लेबाजी की सूची में टॉप 5 में भी जो है वो आ गई है। वहीं पर अगर हम इन सभी रिकॉर्ड की जो है वो बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो अक्टूबर में है T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स का जो 3 अक्टूबर से चालू होने वाला है और स्मृति मंधाना की ये जो फॉर्म है काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि हम देखते आ रहे हैं मंधाना की ये जो फॉर्म है काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। अगर हम बात करें IWPL की तो वहाँ भी जो है मंधाना ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था RCB के लिए और जो काम लड़के नहीं करके दिखा पाए वो जो है स्मृति मंधाना ने एज अ कैप्टन जो है वो करके दिखाया। और अगर RCB में जो उन्होंने 2024 के कितने रन बनाए आपको बताते हैं, अभी मंधाना ने 30 की एवरेज से जो है वो 10 मैच में 10 पारियां खेली और 300 रन जो है बनाए RCB के लिए और RCB को एज आ जो वुमेन लड़कियों ने जो है वो खिताब जिताया। इसलिए हम ये जो मंधाना की जो फॉर्म है वो जो है WPL से चलती आ रही है, 300 रन बनाए इस वाले सीज़न में 2024 के सीज़न में और ट्रॉफी जिताई RCB को। एज अ कैप्टन बहुत मुश्किल होता है, आप जो एक इतना बड़ा आपके पास प्रेशर होता है आपके सर पर, आपको रन भी बनाने हैं, आपको कैप्टेंसी भी करनी है और आप ये जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज चल रही है इसमें भी आपने जो है पहले 2 मैचों में आपने 2 शतक जड़ दिए हैं, तो ये जो काफ़ी हैं ये जो सारे रन बनाती आ रही हैं स्मृति मंधाना वर्ल्ड कप में जो है काफ़ी क्रूशियल होने वाला है क्योंकि वर्ल्ड कप में मंधाना की फॉर्म, अगर वो अपनी फॉर्म को लेके जाएंगी वर्ल्ड कप में तो है उम्मीदें बढ़ जाएंगी भारत को वर्ल्ड कप जीतने में। अभी यहाँ पे जो लड़कों का भी है मेंस T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है, हम सब आशा करते हैं कि ये जो लड़के हैं मेंस T20 वर्ल्ड कप जीत कर आएँ और जो वुमेंस T20 वर्ल्ड कप है वो पहला मैच जो होगा इंडिया का वो होगा न्यूजीलैंड से और सभी चाहेंगे कि मंधाना ये जिस फॉर्म में चलती आ रही हैं WPL में इतने रन बनाए, अब 2 लगातार 2 शतक लगा दिए, तो इसी फॉर्म को कैरी करे और जो कि है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो है वो भारत जीत कर आए और मंधाना इसी फॉर्म के साथ जो कि है रन बनाते रहे। वहीं पर अभी तक के लिए इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और हमारे क्रिकेट नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।